आइए आज हम बनाते हैं बचे हुए चावलों से मंचूरियन। आपके घर में अक्सर चावल बच जाते होंगे तो आप उनको फ्राई करके खाते हैं या फिर फेंक देते हैं, उन्हीं चावलों का आज यूज करके हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे ये बचे हुए चावलों का मंचूरियन। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मंचूरियन। तो देखिए, बचे हुए चावलों से मंचूरियन बनाने के लिए हमने लगभग ये एक कटोरी बचे हुए चावल लिए हैं रात के, और सबसे पहले इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालकर हम पीस लेंगे। इसको बिना पानी डाले हम इसी तरीके से सूखा ही पीसेंगे। तो देखिए, इस तरीके का हमने इसको पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। ये हमने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें कुछ कटी हुई सब्जियां लेंगे, प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी। ये सारी सब्जी हमने बारीक बारीक कट करके ली हैं। आप चाहें तो पत्ता गोभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम सारी सब्जियां डाल रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से सब्जियों को इसके साथ मिक्स कर देंगे। देखिए, सब्जियों को हमने इसके साथ मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेते हैं आधा चम्मच। आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें ये पाउडर डाल रहे हैं मिर्च का। और ये सारी चीज़ें डालने, नमक डालने के बाद हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला, गरम मसाला कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं मिक्स करेंगे। देखिए, अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए ये लगभग 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल देसी स्टाइल में आज बनाकर तैयार करेंगे मंचूरियन, इसलिए हम इसमें बेसन हमने 2 चम्मच डाला है। तो देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद हाथों को अच्छे से साफ़ करके हाथों में हल्का सा हम तेल लगा लेंगे। और इसके बाद ये इस तरीके से छोटे छोटे नींबू के साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरीके की। तो इस तरीके से हमने सारे बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छा गर्म है, और अब हम इसमें डाल देंगे सारे। एक बार में कढ़ाई में जितने आसानी से आ जाए उतने ही हम डालेंगे, बाकी हम दोबारा फ्राई कर लेंगे। और इनको ज़्यादा चलाएं नहीं, चम्मच से इस तरीके से हल्का सा टर्न करते रहें ताकि चारों तरफ से ये पक जाए। इस तरीके से चारों साइड से टर्न करते हुए इनको पका लें। तो मंचूरियन बॉल्स को हमने चारों तरफ से गोल्डन होने तक पका लिया है, और हम इनको निकाल लेते हैं और सेकेंड बैच के भी सेक लेंगे हम। इनको मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, ज़्यादा हाई फ्लेम, लो फ्लेम पर नहीं सेकें, नहीं तो तेल इतने ज़्यादा सोखेगा। और मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे तो आसानी से सिक जाएंगे, क्योंकि चावल ऑलरेडी पके हुए ही हैं। तो इस तरीके से टर्न करते हुए इनको सेक लें। तो हमारे सेकेंड बैच के मंचूरियन भी फ्राई हो चुके हैं, हम इनको भी निकाल लेंगे। बॉल्स निकालने के बाद हमने कढ़ाई का सारा तेल हटा दिया है, सिर्फ 2 चम्मच तेल इसमें छोड़ा है। आप चाहें तो दूसरा कढ़ाई या पैन चढ़ा सकते हैं, हमने उसी का यूज किया है। अब हम इसमें डालेंगे, तेल तो हमारा ऑलरेडी गर्म था, गार्लिक बारीक कट किया हुआ डालेंगे। इसमें गार्लिक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हमने लिया है ये कट की हुई शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। टमाटर हम इसमें इसलिए डालेंगे कि हम इसमें ज़्यादा सॉसेस का यूज नहीं करेंगे। तो गार्लिक देखिए हमारी हो गई है। अब हम इसमें सारी सब्जियाँ एक साथ डाल देंगे।
प्याज टमाटर और शिमला मिर्च, क्योंकि सारी सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा सिर्फ पकाना है, इसलिए अपने सारी सब्जियां एक साथ डाल दी हैं। और इनको पकने के लिए हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि बॉल्स में भी नमक पड़ी है। देखिए 2 मिनट तक सब्जियों को हल्का सा पका लेते हैं। ये सब्जियों को हमने हल्का सा पका लिया है, ज़्यादा गलाया नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये हम सिर्फ इसमें कलर के लिए डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम को लो कर दें, उसके बाद डालें, नहीं तो लाल मिर्च जल जाएगी, इसका कलर बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप। हम इसमें सोया सॉस और विनेगर कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आज हम इसको बिल्कुल देसी स्टाइल से बना रहे हैं। और इसमें ये हम इस तरीके से हरे धनिया की चटनी डाल रहे हैं। अगर आपके पास हरे धनिया की चटनी नहीं है तो आप इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास सेजवान सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। एक चम्मच हमने इसमें सेजवान सॉस डाला है। और इसमें अब ये 2 चम्मच पानी डालकर हम इसको एक उबाल आने तक पका लेंगे, ताकि मंचूरियन में, हमने इसमें हल्का सा पानी इसलिए डाला है कि ताकि मंचूरियन में अच्छे से चिपक सके सॉसेस। 1 मिनट तक उसको पकाने के बाद हम इसमें ये मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। ये मंचूरियन बॉल्स डालकर हम इसको आसपास से इसको अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए बिल्कुल देसी स्टाइल में बचे हुए चावलों का मंचूरियन बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए सर्व करने के लिए तैयार है बचे हुए चावलों का मंचूरियन, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।